हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। मेरे चैनल पे जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड टिप्स वाली वीडियोस हैं, आपने उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, बहुत प्यार दिया है। तो आज की जो वीडियो है वो भी उसी से रिलेटेड है। उन वीडियोज़ में मैंने बताया था कि क्या आप कर सकती हैं जिससे कि आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई इंक्रीज हो सके, क्या चीज़ें हैं जो आप बिना इन्वेस्टमेंट, बिना कुछ पैसे खर्च किए भी कर सकती हैं जिससे जो मदर्स हैं उनकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई इंक्रीज हो सके। आज की वीडियो में वो मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी जो मिल्क सप्लाई है इधर वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी या फिर उसकी जो क्वांटिटी आ रही है, जो उसकी नरिशमेंट वाली जो हार्ड वो आ रही है, वो बिल्कुल भी उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं अगर हम एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। सबसे पहले हमको रेस्ट लेना है। हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर रेस्ट मिलेगा तो वो उतना अच्छा ही मिल्क प्रोडक्शन करेगी। रेस्ट के लिए आप जो है आपके घर में कोई बड़े हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने पार्टनर की भी हेल्प ले सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि आपको 6 घंटे की नींद जरूर मिल जाए। आई नो छोटे बच्चे के साथ ये डिफिकल्ट है, बट आप ट्राई कीजिए कि आपकी जो एक नींद है वो कंप्लीट हो, आपकी बॉडी टायर्ड ना हो, अदरवाइज जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है। कैसे पीना है, कितना पीना है, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो 90% वाटर का बना है, इसलिए आपको पानी पीना है दिन में 3 लीटर, डेफिनेटली इतना पानी आपको पीना है। थर्ड टिप ये है कि आपको बच्चे का लैच चेक करना है। जो बच्चा है जब आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं उस टाइम पर जिस तरह बच्चे ने आपका निप्पल को होल्ड किया हुआ है वो प्रॉपर होना चाहिए। कंप्लीट जो निप्पल वाला पार्ट है और उसके पास की जो स्किन है वो बच्चे के मुंह में ग्रिप के साथ होनी चाहिए, अदरवाइज बच्चा उससे लैच नहीं कर पाएगा। फोर्थ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चा है जब उससे आप मिल्क पिलाएं उसके बाद उसको थोड़ी देर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दें, जिससे बच्चे का और आपका बॉन्ड भी इंक्रीज होगा, बच्चे का टेम्परेचर भी अच्छे से रेगुलेट होगा। अगर बच्चा किसी स्ट्रेस कंडीशन में है वो रिलीव होगा और साथ ही साथ जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन हार्मोनल होता है। तो जैसे जैसे जो है बॉडी से बच्चा टच होगा वैसे ही बॉडी में और ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाले जो हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन का ज़्यादा सिक्रीशन स्टार्ट होगा। तो इसको हम कैंगारू थेरेपी बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे को जब भी आप फीड कराएं तो दोनों ब्रेस्ट को यूज करके पिलाना है। इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि किस तरह आप इफेक्टिवली दोनों ब्रेस्ट को यूज करके बच्चे को मिल्क पिलाएं, आप वहां से पूरी गाइडेंस ले सकती हैं। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को दूध पिलाएं तो बच्चा जगा हुआ हो, क्योंकि अगर बच्चा जगा हुआ नहीं होगा तो बच्चा थोड़ी देर पिएगा फिर प्रॉपरली सक नहीं कर पाएगा। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बच्चे की सकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बच्चा कितने अच्छे से सक करेगा उतने अच्छे से मिल्क बनेगा, क्योंकि जो मिल्क है वो हमारा डिमांड एंड सप्लाई जो फिनोमेना है उससे बनता है। इस पे भी ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। बट बच्चा जितने अच्छे से डिमांड करके जितने अच्छे से मिल्क को रिलीज कराएगा उतना ही ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा, उतना ही अच्छा प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा जो आपका मिल्क प्रोड्यूस करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा उस टाइम जगा रहे। नेक्स्ट आपको अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान देना है। आप अगर अच्छा खाएंगी तो डेफिनेटली मिल्क का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अगर आप खुद ही माल नरिश्ड हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो आप कैसे अच्छा मिल्क बना पाएंगे और कैसे उसे अच्छे अमाउंट में बना पाएंगे। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मिल्क पिलाती हैं तो उसको आपको थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन, मिनिमम आपको 15-20 मिनट्स बच्चे को फीड जरूर करना है। अगर आप इससे कम फीडिंग करती हैं तो पहले तो बच्चे को पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, हाइंड मिल्क नहीं मिल पाएगा उसको। हाइंड मिल्क और फोर मिल्क के बारे में पूरी वीडियो मेरे चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। बट बच्चे को थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मिनिमम 15-20 मिनट्स आपको फीड कराना ही कराना है, जिससे बच्चा अच्छे से जो है आपके निपल्स को स्टिमुलेट कर पाए। और जितना अच्छा स्टिमुलेशन होगा उतना अच्छा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, उतना अच्छा प्रोलैक्टिन बनेगा, और प्रोलैक्टिन हॉर्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो बच्चे को आपको अच्छे से फीड कराना है। एक नेक्स्ट चीज ये होती है जिसको हम बोलते हैं कि जिसको जनरली बोला जाता है कि आपका टॉपअप ट्रैप। टॉपअप ट्रैप क्या होता है कि मदर्स क्या होती है, अगर बिजी हैं या उनका वो टायर्ड फील कर रही हैं या किसी भी और रीजन की वजह से बच्चे को फॉर्मूला फीड करा देती हैं और वो जो है बच्चे को मिल्क फीड नहीं कराएंगी। तो इससे क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं टॉपअप ट्रैप, इसमें क्या होगा, क्योंकि मदर ने अपना मिल्क रिलीज नहीं किया है, तो क्योंकि उन्होंने अपना मिल्क रिलीज नहीं किया है तो ब्रेन के पास ये सिग्नल जाएगा कि मदर की बॉडी में ऑलरेडी इतना मिल्क है
और वो उसको रिलीज नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली मदर को और मिल्क प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोड्यूस था वो भी पहले से यूज नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वो ब्रेन सिक्रीट करना बंद कर देगा, उसका प्रोडक्शन कम कर देगा, और इस वजह से अगर ये बार बार होगा तो मिल्क की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि आप जब ब्रेस्ट फीड करती हैं तो क्योंकि जो WHO की गाइडलाइंस में भी है कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, और उसके बाद भी मदर्स करना चाहती हैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड, तो वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप जस्ट सोचे कि मुझे मिल्क प्रोड्यूस होता रहेगा और मैं ब्रेस्ट फीड करती रहूंगी। नहीं, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है कि आप अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक्स कर रही हैं तो आपको वो नहीं करनी है। आपको ये भी ध्यान देना है कि आप ये मिस्टेक्स ना करें, साथ ही साथ आप उन टिप्स को भी अपनाएं जो अगर मिल्क थोड़ा कम भी आ रहा है तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे करके इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको ट्राई करना है कि जब आप बच्चे को फीड करा देती हैं तो उसके बाद आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि आप इन बिटवीन मील्स, अगर बच्चे के दो फीड्स के बीच में आपके पास टाइम है तो उनके बीच में आप एक बार अगर पंप कर सकती हैं, आपके पास पंप अवेलेबल है, या तो वो मैनुअल हो या इलेक्ट्रिक हो, या फिर हैंड एक्सप्रेशन से भी अपने निपल्स को अगर स्टिमुलेट करेंगे तो जितना स्टिमुलेशन होगा उतना ज़्यादा उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा, उतना ज़्यादा ही मिल्क प्रोडक्शन होगा। इसके ऊपर ट्रायल्स हुए हैं और वो ट्रायल्स डेफिनेटली ये कहते हैं कि जितना एक्सप्रेशन ऑफ निपल्स होता है उतना ही ज़्यादा स्टिमुलेशन होता है, और उतने ही स्टिमुलेशन से ज्यादा अमाउंट में प्रोलैक्टिन बनता है, और जितना प्रोलैक्टिन बनता है उतना ही ज्यादा जो है बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ये सारे जो मिस्टेक्स हैं आप अब नहीं करेंगी, जितना कम आप इन मिस्टेक्स को करेंगी तो आप अपने बच्चे को 6 मंथ्स ही नहीं, आप उससे ज्यादा भी बिना किसी प्रॉब्लम के बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा पाएंगी। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीड से रिलेटेड वीडियोज हैं उनका लिंक जो है मैं अपने इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, आप वहां से वो पूरी सीरीज देख सकते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपको पसंद आएंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप चाहती हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।